आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में, उसके जन्म से लेकर के उसके करियर तक के हर एक सफर को आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो कल्याण सिंह का जन्म 5 जनवरी 1932 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके पिता का नाम तेजपाल सिंह लोधी और उसकी माता का नाम सीता था। उसकी पत्नी का नाम रामावती है और कल्याण सिंह के एक बेटा और एक बेटी भी है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह राजू भैया भारतीय जनता पार्टी के एटा से सांसद भी है। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके करियर के बारे में, तो कल्याण सिंह जून 1991 में उत्तर प्रदेश की पहली बार मुख्यमंत्री बने और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 6 दिसंबर 1992 को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कल्याण सिंह 1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अतरौली के कासगंज से विधायक निर्वाचित किए गए। चुनावों में भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया, लेकिन मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी और बहुजनवादी समाज पार्टी ने गठबंधन सरकार बनाई और विधानसभा में कल्याण सिंह विपक्ष के नेता बने। वे सितंबर 1997 से लेकर नवंबर 1999 तक दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। 21 अक्टूबर 1997 को बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बसपा ने कल्याण सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया और कल्याण सिंह पहले से ही कांग्रेस विधायक नरेश अग्रवाल के संपर्क में थे और उन्होंने जल्द ही नई पार्टी लोकतांत्रिक कांग्रेस का गठन किया और 21 विधायकों का समर्थन दिलाया। इसके लिए उन्होंने नरेश अग्रवाल को ऊर्जा विभाग का कार्यभार सौंपा था। दिसंबर 1999 में कल्याण सिंह ने पार्टी छोड़ दी और जनवरी 2004 में दोबारा भाजपा से जुड़ गए। 2004 के आम चुनाव में कल्याण सिंह ने बुलंदशहर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव लड़ा और 2009 में उन्होंने एक बार फिर से भाजपा को छोड़ दिया और एटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय सांसद भी चुने गए। कल्याण सिंह ने 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली। उन्हें जनवरी 2015 में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी एक जो है राष्ट्रवादी नेता है, साथ ही अपने पद पर रहते हुए अपने राज्य के लिए और अपने देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और खबर देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए महाकाल टेक चैनल को, ताकि आपको हमारे हर एक की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली खबर में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।